सत्र खत्म होने के बाद विधायक जी जिंद पहुंचे हैं, हम उनसे बात करते हैं। विधानसभा स्तर में जिंद के लिए कौन सी मुख्य मांगे रखी हैं? विधायक जी, विधानसभा स्तर चला हुआ था पिछले दिनों से, बात करें जिंद के विकास के लिए कौन सी बातें रखी हैं, क्या जिंद के विकास में गति आने वाली है? देखिए, जिंद के विकास के लिए 22 प्रश्न मैंने पूछे, जिसमें से 14 प्रश्नों पे उन्होंने जवाब दिया और जिसमें से 4 प्रश्न सवाल जवाब भी हुए। उनमें से मुख्य रूप से नंदीशाला को यहाँ पर एक कम्युनिटी सेंटर और पार्क बनाने के लिए, और इसी प्रकार से जींद से कैथल रोड, और माननीय डिप्टी सीएम साहब ने कहा कि इसको भिवानी से लेकर हम कैथल तक 4 मार्गे 4 लेन करने का काम करेंगे। इसी प्रकार से हांसी से जींद, इसको भी सुचारू रूप से बढ़िया ढंग से बनाया जाएगा। बाईपास के बारे में भी चर्चा हुई और अनेक प्रकार की योजनाओं के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जींद के विकास के लिए काफ़ी ग्रांट देने का काम किया है। वो जींद की जो ये जंक्शन है, इसको पिंडारा शिफ्ट किया जाएगा, 4 लाइनें हटाकर पिंडारा में ही एक जंक्शन बनाया जाएगा, इससे भी जींद को काफ़ी फायदा रहेगा। अनेक प्रकार की योजनाओं पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए, सूक्ष्म सिंचाई को लेकर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहयोग किया, जिसमें कि आपका जय जवान और इट्टल और ये सारे गांव आएंगे, करीबन 12 गांव सूक्ष्म सिंचाई में आएंगे, और कई रोडों को भी पास करने का काम किया जो शहर के विकास के लिए, जैसे कि इसके एस्टीमेट वगैरह भी देने का हमने काम किया है। आपका स्कीम नंबर 5-6 है, आरा रोड है, जगत क्रांति रोड है, इसमें भी, और ये सीसी की रोड बनेंगे। सवाल ये बनता है, शहर की अगर बात करें व्यवस्था को लेकर के, रोहतक रोड को इसमें वहाँ पे वो अभी से मतलब डैमेज होना शुरू हो गया है, उसके बाद अगर बात है सीवरेज व्यवस्था पूरी तरह से ठप है, लेकिन फिर ये किस तरीके से हुआ? नहीं, जो बात आप रोहतक रोड की करें, रोहतक रोड पर सुचारू रूप से काम चल रहा है। मैं ये मानता हूँ कि उस रोड पर काम लेट प्रारंभ हुआ है, लेकिन वो करीबन 30 से 35 फुट गहरा खुदा है, तो उसमें समय लगेगा, लेकिन अब सुचारू रूप से काम चल रहा है। रोड़ी बजरी गिर चुकी है, 2-2.5 महीने तक इसके ऊपर साधन चलेंगे, जिससे जितना भी नीचे बैठनी है मिट्टी बैठ जाएगी, उसके बाद में इसको ब्लैक टॉप कर दिया जाएगा। इसी प्रकार से आप बात करें सफीदो रोड की, तो सफीदो रोड पे भी जो एक साइड की ब्लॉक लगे हैं और एक साइड में ब्लैक टॉप है, दूसरी साइड का भी एस्टीमेट के लिए एक्शन साहब को कह दिया, वो एस्टीमेट बना के ऊपर भेजेंगे, जल्दी ही उसको भी पास करा कर ब्लैक टॉप किया जाएगा और बीच में से डिवाइडर हटाए जाएंगे। और जो आप बात कर रहे हैं कि आप JD7 के पास में ही जो डालामाला हॉस्पिटल के पास में, वो अमृत योजना की लाइन जो पैराडाइज होटल के पास से चली है, वो उसके लिए हुआ है, लेकिन उसको भी अभी थोड़े समय के बाद उसको भी भराई कर दी जाएगी। अमृत योजना का जो कार्य काफ़ी समय का चलते हुए का, कितना कार्य हो चुका है, कितना समय? लगभग 95% कार्य पूरा हो चुका है। अब एक रानी तालाब से लेकर और गुरुद्वारे तक, ये थोड़ी सी आगे तक एक लाइन और बिछनी है, इसके बाद में लगभग सारे कार्य संपन्न हो चुका है, लेकिन उसके लिए अभी मना किया गया है, क्योंकि थोड़ा सा रोहतक रोड का थोड़ी बिछाई अच्छे ढंग से हो जाए, फिर ये काम करने के बाद संपन्न हो जाएगा। चलिए विधायक जी, एक बड़ा मुद्दा चला हुआ है, बात करें तो किसान आंदोलन को लेकर के, 3.5 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं आंदोलन को लेकर के, विधानसभा स्तर के अंदर भी बात करें, विधानसभा में वहाँ पे विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेके आया था, सरकार के खिलाफ लेके आया था, और उसके बाद में ये आंदोलन इतना लंबा हो गया, सभी बीजेपी जेजेपी नेताओं का जिस तरीके से ग्राउंड स्तर पे देखा था बहिष्कार तक हो चुका है, आप क्या, आपके नज़रिए से क्या देख रहे हैं, आपने आवाज़ उठाई क्या विधानसभा स्तर? अगर मान लीजिए कि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव रखा, लेकिन उसको मुँह की खानी पड़ी आपके सामने ही, और जहाँ तक बात किसानों की है, तो हमारे आलाकमान लगे हुए हैं किसी भी तरह से इस समस्या के हल निकालने पर, कुछ बातें उनकी मानी जाएँ और कुछ सरकार की अपनी बातें मानी जाएँ, जिससे इस समस्या का हल हो जाएगा। कोई भी समस्या ऐसी नहीं होती जिसका समाधान ना हो, समय जरूर लग जाता है, लेकिन इसका समाधान निकलेगा, जिसमें किसानों को भी फायदा रहेगा और देश को भी फायदा रहेगा, ऐसा मुझे उम्मीद है कोई ऐसा हल निकलेगा। नहीं, सवाल मेरा अब ये है कि आप वहाँ में माननीय मुख्यमंत्री के साथ में भी रहे, अनिल विज के साथ में, कभी चर्चा हो भी कि किसानों का मुद्दा जो जिस प्रकार से बीजेपी के जो विधायक हैं, जेजेपी के विधायक का कई बार अगर देखा जाए तो उचानक क्षेत्र में तो वहाँ पर हेलीपैड तो उखाड़ दिया गया, उसके साथ में फिर वहाँ पर जेजेपी कार्यालय के अंदर घेराव किया जाता है, ग्रीवेंस मीटिंग होनी थी, विकास गति पकड़ना था यहाँ पे जिले के अंदर, वो मीटिंग नहीं हो पा रही, उसको कैंसिल करना पड़ता है, तो ये इस तरीके से देखा जाए तो इसका समाधान क्यों नहीं हो पाता? आप क्यों नहीं, कुछ एक कार्य देखिए चल ही रहे हैं, कुछ एक कांग्रेस किसानों को भड़काने का काम कर रही है, लेकिन उसी वजह से कांग्रेस को मुँह की खानी पड़ रही है। आप ये भी मान के चलिए, ठीक है, कुछ एक बातें हैं जो समझने की कमी है, जिनको सरकार समझाने का प्रयास करिए, और मैंने आपसे पहले भी कहा कि कोई ऐसा हल निकलेगा जिसमें किसानों के लिए भी अच्छा रहेगा और
हमारे पूरे देश के लिए भी अच्छा रहेगा, कोई ऐसा समाधान निकाला जाएगा। क्योंकि ये विशेष तौर पर हम ये कह सकते हैं कि ऊपर हमारे सेंटर में बैठे जो आला कमान है वो इस बात का निश्चित तौर पे फायदा ऐसा फायदा करेंगे जिससे किसानों की आय भी दुगनी हो जाएगी और कहीं ना कहीं उनकी बात को मानने का। चलिए 2022 तक कहा था किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, अब आपने बात की कि समझने की और समझाने की कोशिश की जाए, आप किसानों के बीच में क्यों नहीं जा पा रहे हैं उनको समझाने के लिए? देखिए हम लोग, मैं निरंतर अपनी कौन सी चौंसी में जा ही रहा हूँ, और जहाँ तक किसानों की बात है कि वो मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया कि कांग्रेस के लोग उन्हें भड़काने का काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप ये देखिए जब भी बहस की बात आती है तो कांग्रेस किसी भी विषय पे सदन में बहस नहीं करना चाह रही, वो कोई हमेशा बहस से भागने का काम किया। अगर वो लोग इतने ज़्यादा अपने आप को हितैषी किसान हितैषी बता रहे हैं तो उन लोगों को सबसे पहले अपने रिजाइन देने थे। चलिए कांग्रेस का बार बार जिक्र कर रहे हैं आप, जो किसान वहाँ पे बैठे हुए हैं आंदोलन के अंदर, धरना प्रदर्शन खटखट टोल पर पिछले बात करें तो 100 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, 3.5 महीने से ज़्यादा आंदोलन को हो चुके हैं, कांग्रेस का बार बार जिक्र करने से क्या वो सभी किसान कांग्रेस ही मानते हैं? नहीं, आप एक बात मानिए कि हम आपको क्या कहते हैं, उनको बहकाने का काम किया गया। और जहाँ तक सवाल है, ऊपर में बैठे हमारे आला कमान है, चाहे वो कृषि मंत्री है, चाहे प्रधानमंत्री जी, जो भी हैं, वो लोग बैठ कर अपना विचार विमर्श कर रहे हैं और निरंतर अभी भी मुझे उम्मीद है कि 1 या 2 मीटिंग और होंगी और उसमें कोई ना कोई हल निकलेगा। प्रधानमंत्री जी तो बंगाल चुनाव में बिजी हैं, फिर कैसे देखिए, लेकिन वार्ता का तो विषय चल ही रहा है कि वार्ता तो होगी, प्रधानमंत्री जी नहीं करेंगे तो और लोगों की जो जिम्मेवारी है वो वार्ता करके किसी न किसी लेवल पे। आप ये मान के चलिए, मैंने आपसे पहले भी कहा, कोई भी समस्या ऐसी नहीं जिसका हल ना निकले। बात तो सही है, लेकिन अब सवाल वही निकल के सामने आ रहा है सर, जिस प्रकार से चेतावनी दे रखी है, अगर एक बड़ी बात और बताना चाहेंगे, कल यहाँ पे एक किसान महापंचायत होती है, महिला किसान महापंचायत होती है, उसके अंदर एक बड़ा डिसीजन लिया जाता है, बीजेपी के खिलाफ जाएंगे, जेजेपी के नेताओं का विरोध करेंगे, विधायकों को गांव में नहीं घुसने दिए जाएंगे, इस तरीके की जो चीज़ें निकल के आती है ना सर, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी तो फैलाती है। देखिए ये सोच का फर्क है, मैं तो यही कहूँगा, लोकतंत्र है, अगर कोई ऐसा कहता तो गलत, ऐसा नहीं कहना चाहिए, हर एक आदमी का अधिकार है। और हम लोग अगर हैं या कोई भी नेता है तो वो एक परिवार की तरह तो, और अपने परिवार में सुख दुख में जाने की हर एक व्यक्ति को आज़ादी है। आप जा रहे हैं क्यों पूरे तरह से तरीके से? मैं अपने पूरे क्षेत्र में, लगभग अपने पूरे क्षेत्र में जा रहा हूँ, सुख दुख में जैसे भी होता है, मैं नहीं जा पाता तो मेरे परिवार के व्यक्ति जाते हैं। गंडेला गांव में इनेलो नेत्री सुनैना चौटाला वहाँ पे आती हैं, उसी मन से गंडेला गांव के अंदर क्या बदलाव देख रहे हैं आगे? ठीक है, वो हर व्यक्ति अपना अपना कार्य कर रहा है, अपने अपने राजनीति के आधार पर, अपने अपने विचारों के आधार पर हर व्यक्ति अपना काम कर रहा है, उसके लिए मैं कोई किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। ग्रीवेंस मीटिंग थी जो, वो कुछ किसान आंदोलन के कारण बंद करनी पड़ी है, को आगे बढ़ानी पड़ेगी या वैसे कुछ? नहीं, पहले भी आज से लगभग 1-1.5 महीना पहले भी मीटिंग हुई है, तब भी तो किसान आंदोलन था, कोई कारण रहा होगा जिसकी वजह से कैंसिल हो गई। चलिए आखिरी सवाल बता दीजिए, कब तक समाधान हो जाएगा एक आंदोलन? देखिए मैं तो यही कहूँगा कि जल्दी से जल्दी इसका समाधान निकलना चाहिए, कुछ इलेक्शन की वजह से हो सकता है देरी हो गई हो, लेकिन जल्दी से जल्दी इसका समाधान निकल जाना चाहिए। चलिए ये थे हमारे साथ में विधायक करसन मीणा, इनका कहना है कि विधानसभा स्तर के अंदर 22 सवाल पूछे गए, काफ़ी चीज़ें मुख्यमंत्री ने जो है उनके ऊपर प्रस्तावित कर दिया, हस्ताक्षर भी कर दिए, और आने वाले समय में जींद का क्षेत्र का जो विकास है वो पूरी गति से बढ़ेगा, और जो किसानों का मुद्दा है उसके ऊपर जल्द से जल्द जो है समाधान होने की भी उम्मीद है। जिनसे पंजाब केसरी टीवी के लिए अनिल कुमार।